सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर समय गीत योगात्मक आंकलन ऐसे की प्रविष्टि हुई प्रारंभ। इस प्रकार करें ऑनलाइन प्रविष्टि सत्र 2023-24 के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक CCE पैटर्न लागू है। ये CCE पैटर्न जहाँ जहाँ लागू है कक्षा 1 से 5 तक में, उनमें समेकित योगात्मक आंकलन यानी ऐसे का आयोजन किया जाता है। ये ऐसे 1, 2 और 3 यानी एक साल में 3 ऐसे का आयोजन किया जाता है। ऐसे 1 और 2 हो चुके हैं, अब ऐसे 3 की बारी है। इसमें भी दोस्तों आपको बता दूं, राज्य सरकार के आदेशानुसार कक्षा 5 के लिए ऐसे 3 का आयोजन नहीं किया जाएगा। उसमें ऐसे 3 की जगह बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बाकी कक्षा 1 से 4 तक है, उनमें ऐसे 3 का आयोजन है वो किया जाएगा अप्रैल माह में। लेकिन दोस्तों, जो ऐसे 1, 2 हुए हैं उनकी प्रविष्टि है वो शाला दर्पण पर आपको ऑनलाइन करनी है। इसके साथ साथ ऐसे 3 आप जब लेते हैं तो कॉपी चेक के बाद उसकी भी प्रविष्टि आपको शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण पर किस प्रकार से करनी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको ऐसे की प्रविष्टि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन करनी है। ऐसे की प्रविष्टि करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा शाला दर्पण पे, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको विभिन्न ऐप नज़र आते हैं। इन ऐप में आपको जाना है परिणाम टैब के अंतर्गत। ये देखिए, यहाँ पे परिणाम टैब नज़र आ रहा है, रिजल्ट टैब, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे विभिन्न सब ऑप्शन भी मिलते हैं। आपको यहाँ पे जाना है परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंतर्गत। ये देखिए, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ लिखा है, इसको क्लिक करके खोल लीजिए। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के अंदर भी आपको सब ऑप्शन मिलेंगे और इसमें आपको एक समेटिव असेसमेंट यानी ऐसे का ऑप्शन भी मिलेगा। तो यही समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का है, जिसमें आपको ऐसे 1, 2 और 3 की एंट्री यहां पे दर्शानी है। ऐसे 1, 2 और 3 की एंट्री दर्शाने के लिए इस समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री के ऊपर आपको क्लिक करना है। SIQECC प्रविष्टि के लिए ऊपर की ओर कुछ विशेष नोट मिलेंगे। इस नोट के अंतर्गत ये बताया गया है कि जब आप ऐसे 1, 2 और 3 की प्रविष्टि करेंगे ग्रेड भरने के बाद, आपको लॉक बटन का ऑप्शन मिलेगा। तो लॉक करने के पश्चात ही ये ग्रेड प्रगति पत्रक में शो होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो आपको लॉक करना अति आवश्यक है। तो आप सबसे पहले ऐसे 1, 2, 3 में ऐसे के ग्रेड भर लें। ग्रेड अगर ग्रेड भी नहीं भरे हैं तो भी लॉक बटन प्रदर्शित आपके नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों ऊपर आपकी और सेशन पहले से सेलेक्ट है, क्लास यहां से सेलेक्ट कीजिए, सेक्शन यहां पर डाल के सो स्टूडेंट डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहां पे सेलेक्ट कक्षा के अंतर्गत दोस्तों आपको कक्षा 3 और 4 ही शो हो रही है, कक्षा 5 शो नहीं हो रही है और ना ही कक्षा 1 व 2 शो हो रही है। तो यहाँ कन्फ्यूजन होने की वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कक्षा 5 का ऐसे 3 नहीं लिया जाना है, तो ऐसे 1, 2 की भी प्रविष्टि वो नहीं करवा रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा 3 और 4 के सभी ऐसे 1, 2 और 3 यहाँ पे प्रदर्शित आपको करने हैं, और बाकी बचे कक्षा 1 और 2 उनके लिए आपको पता है विभागीय दिशा निर्देशानुसार होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हाथ से आपको ऑफलाइन ही तैयार करने हैं। इस वजह से यहाँ पे ये कक्षा सिर्फ 3 और 4 ही शो हो रही है। तो जो कक्षा शो हो रही है उसी के ग्रेड आपको भरने हैं। इसके लिए दोस्तों देखिए, जैसे ही हमने शो बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे समेटिव असेसमेंट नाम 1, 2 और 3 सारे शो हो गए। सभी विद्यार्थियों के यहाँ पे क्रॉस नज़र आ रहा है, यानी किसी का भी ऐसे 1, 2, 3 नहीं भरा है। भरने के लिए दोस्तों आपको जो क्रॉस नज़र आ रहा है इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी, जहां आपको सबसे पहले सेलेक्ट ऐसे को सेलेक्ट करना है, यानी ऐसे 1 की प्रविष्टि कर रहे हैं, 2 की प्रविष्टि कर रहे हैं या 3 की प्रविष्टि कर रहे हैं। इसी प्रकार सेलेक्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसे 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। जो ऐसे आपने विद्यालय में ले लिया है बच्चों का, उसको आप उस आंकलन को या उस आंकलन की प्रविष्टि आप यहाँ पे अभी दर्शा सकते हैं। ऐसे 1, 2 और 3 में से हम ऐसे 1 सेलेक्ट करेंगे। नीचे जो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के अंतर्गत हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण जो भी है आप एक सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, ऐसे 1 सेलेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट हिंदी सेलेक्ट किया। गो बटन के ऊपर क्लिक करने पर समेकित योगात्मक आंकलन ऐसे 1 की हिंदी की प्रविष्टि के लिए पेज खुल चुका है। जिस विद्यार्थी के स्टार के ऊपर हमने क्लिक किया था, क्रॉस के ऊपर क्लिक किया था, उसी विद्यार्थी का ये आंकलन खुलेगा। यहाँ पे उसके ग्रेड आपको दर्शाने हैं। अगर विद्यार्थी ए ग्रेड प्राप्त किया है तो ए,
बी ग्रेड प्राप्त किया है तो बी, अथवा सी ग्रेड प्राप्त किया है तो सी ग्रेड दर्शाएंगे। कक्षा स्तर आपको पहले से फिल किया हुआ मिलेगा, कक्षा स्तर अगर फिल किया हुआ नहीं है तो कक्षा स्तर एक के लिए आपको एक, दो के लिए दो, कक्षा स्तर तीन के लिए तीन एंटर करना है और यहाँ पे आपको ग्रेड डाल के सबमिट कर देना है। तो यहाँ ऊपर की ओर आपको से एक सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा, स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल ऐड अपडेट सक्सेसफुली, यानी आपने जो ऐसे की एंट्री की है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। इस तरह से आप ऐसे वन, ऐसे टू और ऐसे थर्ड तीनों की एंट्री कीजिए। और एक बात का ध्यान रखें कि ऐसे थर्ड की एंट्री अभी आपको नहीं करनी है जब तक ऐसे आप इस विद्यालय में आयोजित नहीं कर ले। जब जब आप एंट्री कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले जहाँ क्रॉस आ रहा था वहाँ पे आपको राइट नज़र आ जाएगा। तो ये राइट नज़र तभी आएगा जब सभी एक एक स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट की एंट्री आप करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ।